अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। बज रहे हैं रात के 10:30 और मैं नाइट सूट में आज आप लोगों से व्लॉग पर मिलने इसलिए आई हूँ क्योंकि आप सबकी दुआओं से माशाल्लाह सरीना बेगम हो गई हैं 2 साल की और उनका टेरेबल 2 शुरू हो गया है। तो सामान फेंकना, कपड़े पहनने पे जिद करना, वो वाला फेस चल रहा है, तो इसीलिए इसे टेरेबल 2 कहते हैं। अब घर वाले जो हैं वो सारे तैयारी में लगे सरीना की सरप्राइज बर्थडे पार्टी की, जो कि मुझे पता है कि हो रही है क्योंकि सरीना को तो अभी इतना सरप्राइज समझ में आता नहीं, तो वो अल्टीमेटली सारा सरप्राइज मुझे दिया जा रहा है, पर मुझे हल्का हल्का शक है क्योंकि नीचे बलून वलून फटने की आवाज़ आ रही है। सरीना अल्हम्दुलिल्लाह पहली हैं और अभी तक इकलौती हैं, तो उनकी बहुत पैम्परिंग चलती है। तो हमने पिछले साल तो बहुत बड़ा टीका किया था, आप लोगों ने देखा होगा, तो इस साल हमने सोचा कि बस फैमिली बहुत छोटा सा घर पे गेट टुगेदर कर लेंगे क्योंकि अब सरीना को इतनी अकल आ गई है, तो सरीना को टॉयज़ का पता है, तो उनके लिए कोई टॉयज़ ले लिए जाएंगे या एक छोटी सी कहीं ट्रिप मार ली जाएगी कि भाई वो पैसा सरीना की मेमरीज़ में इन्वेस्ट हो जाए, रादर हम एक बड़ी कोई दावत करें। तो चलिए देखते हैं वहाँ क्या तैयारी हो रही है। सरीना के बर्थडे गिफ्ट में आई है हमारी न्यू डाइनिंग टेबल चेयर्स, क्योंकि जो इससे पहले हमारी डाइनिंग टेबल की चेयर्स पड़ी थी वो मेरी सास ने आज से 18-19 साल पहले ली थी और मैंने अपनी शादी के टाइम पे उन्हें रेनोवेट करवा दिया था, उनके ऊपर कवर और कुशन चढ़वा के। तो एक दिन कोई हमारे यहाँ मेहमान आके बैठे और वो टूट गई और वो ऑलमोस्ट गिर से गए, तो इसलिए हमें नई डाइनिंग टेबल की चेयर बनवाना पड़ी। और कोइंसिडेंस ये हुआ कि हमारा लाइट ग्रीन टेबल टॉप बॉटल ग्रीन उससे मैच हो गया। तो सरीना की चाची ने भुकने भुकने लगा के बहुत खूबसूरत सा उनके लिए फ़ोटो बूथ बनाया जिसके आगे वो केक कट करेंगे, उसमें कर्टन वगैरह भी हैं और सरीना को ये बात नहीं पसंद आ रही, वो नो 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 कर रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक साल में बच्चा कितना ग्रो कर जाता है, और पिछले साल तो सरीना को पता भी नहीं था क्या हो रहा है, इस टाइम सब बता रही हैं कि मेरे केक पे टेडी बेयर बना हुआ है और ख़ुद ही उठा के उन्होंने खाना शुरू कर दिया। मेरी बेटी किसी का इंतज़ार नहीं करती, उसने कहा सब जाओ जहाँ जाना है, मैं तो पहले खाऊँगी। अब सरीना जो है वो रिएक्ट नहीं पा रही, कर पा रही हैं इतनी अटेंशन को, वैसे तो उन्हें केक काटने का बहुत शौक है मगर वो ये सोच रही हैं ये हो क्या रहा है, ये सब मुझे देख के ताली क्यों बजा रहे हैं, मैं सेंटर ऑफ अटेंशन क्यों हूँ। हर रोज़ हमसे ये होता है कि कैंडल जलाऊं और मैं उस पर फूंक मारूंगी, अब कहा जा रहा है तो गले लग गई हैं और नहीं हमारी समझ में ये नहीं आ रहा जब कल को एक्चुअल बर्थडे पार्टी होगी, इतने सारे लोग आएंगे तो किस तरह ये रिस्पॉन्ड करेंगी। और वैसे भी ये एक हिंदुस्तानी बच्ची है, अगर कोई काम कह दिया जाएगा सबके सामने करने से तो नहीं करेगी, जो सब बच्चे करते हैं जो हमने भी बचपन में कराए। खैर हमने आपस में खुद ही सेलिब्रेट कर लिया, अम्मा ने केक कट कर दिया, अब इंतज़ार था कल का। हमने अपने मियाँ को मुबारकबाद दी कि भाई 2 साल पहले आपको बेटी पैदा हुई थी तो बड़े खुश थे आप, तो वापस से बेटी मुबारक हो। और यहाँ उनके ईशान चाचू भी केक ले आए थे, हमने कहा वो भी कट कर लेते हैं, फिर हमने एक केक सोचा कि ऊपर जाके दादा के साथ कट करेंगे। अब सरीना के साथ साथ और भी बच्चों का बर्थडे है क्योंकि सब सरीना के साथ के हैं, तो हमें एक बहुत ही क्यूट सा रिटर्न हैम्पर आया जिसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे मियाँ बताना भूल गए तो हम अटेंड नहीं कर पाए बर्थडे, मगर इतना प्यारा हैम्पर था, मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर बहुत अच्छी ओट मिल्क कुकी थी, एक बच्चों के लिए सिपर था और कुछ ऐसे फन पॉपर्स भी थे, कुछ खाने पीने के मतलब आइटम था। और सरीना के लिए आया है कि क्यूट सा गिफ्ट और मुझे 500 फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पर उसका मुबारकबाद आई, और सरीना के लिए बहुत क्यूट क्यूट सामान था इसमें, अंदर एक ये छोटा सा पर्स था, इसके अंदर लिप बाम था ओरिफ्लेम का, और ये जिन्होंने भेजा है उनका पेज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, वो भी सहारनपुर के, अगर आपको पैकिंग वगैरह कराना है तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। 2 साल की जद्दोजहद के बाद फाइनली सरीना ने खाला के साथ खेला और अपने टॉयज दिखाती। सरीना का कोई भी फंक्शन होता है घर में शादी जैसा माहौल हो जाता है, अगले इस दिन सुबह पहले रानी खाला आ गई, फिर उनके नाना आ गए स्पेशली उनकी बर्थडे के लिए, और ये अल्हम्दुलिल्लाह इतना स्पेशल मोमेंट है। बस सरीना की नानी भी ये मोमेंट्स इंजॉय कर लेती हैं मगर अल्लाह की जो मर्जी थी। उनकी खाला की भी बैक टू बैक वीडियो कॉल्स आ रहे थे क्योंकि वो मिस कर रही हैं सब कुछ, मगर उन्होंने कहा भाई मैं 2 छोटे बच्चों का सामान लेके इतनी दूर नहीं आ सकती, तो तुम ही दिल्ली आ जाना फिर सेलिब्रेट कर लेंगे। सरीना अपने फर्स्ट आउटफिट में रेडी हो गई हैं, या अगर आप लोगों को याद हो उनकी लास्ट बर्थडे पर उन्हें गिफ्ट मिला था और यहाँ तमन्ना उनके लिए एक और गिफ्ट लेके आ गई, बर्थडे शुरू हो गया, बैक टू बैक गिफ्ट्स मिल रहे हैं सरीना को। नाना उनके लिए बहुत डॉल्स लाते हैं, आपने पहले भी देखा होगा, फिर उनको यहाँ कोई डॉल नहीं मिली, एक छोटी सी डॉल मिली,
तो वो लेके आ गए और एक और गिफ्ट लेके आए। हालांकि मैंने मना किया था कि आप वैसे ही इतना कुछ लाते रहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं आया, आप आ गए वही बहुत है, मगर उनका दिल नहीं मानता। तो ये देखिए सलीना उनका लाया गिफ्ट कितना इंजॉय कर रही हैं। वैसे तो आधे से ज़्यादा फर्स्ट क्राय आजकल बच्चों के घर में ही होता है, मगर ये उनके पास नहीं था तो ये कुछ नया था। और कुछ नया घर में आए और हमारे घर का दूसरा छोटा बच्चा फातिमा उसमें ना खेले ऐसा नहीं हो सकता। तो फातिमा ट्रायल लेने जा रही है कि ये टॉय सलीना के लिए कितना अच्छा है। हमारे घर के दोनों बच्चों के लिए फातिमा सच में हमारा ये है आज का लोग ब्रेसलेट दिखना चाहिए। आप कहोगे बाजी इतना सिंपल क्यों, मगर ये बहुत ही अच्छा लखनऊ का हैंडवर्क का सूट है। आज बेड कवर नहीं है, आज न्यू बेड शीट बिछी है, सरीना बेगम पड़ी नहीं है। हैप्पी बर्थडे। सरीना की फ्रॉक लास्ट ईयर उनकी खाला रुबाय का खाला ने दी थी, जो शाजमा की बेस्ट फ्रेंड है। रामपुर की है फ्रॉक, सब पहनाती हूँ मैं। और ये देखो हमारी दुल्हन कितनी माशाल्लाह खूबसूरत बन के आई है। और हमारी अम्मा ने फातिमा को कॉम्प्लीमेंट दिया कि आज सूट और तुम्हारा कलर मैच हो गया। माशाल्लाह फातिमा पिंक पिंक लग रही थी। और अनम भी आ गई, अनम तो हमेशा ही अच्छी लगती है। अनम ने अपना खुद का डिज़ाइन किया हुआ आउटफिट पहना है और मीशू बेबी क्यूट क्यूट बातें करके दिखा रहे थे। हैप्पी बर्थडे शरीना, हैप्पी बर्थडे टू यू, यूनिकॉर्न। और ये उनके सैमी चाचू और असद चाचू ने डेकोर करा दिया, प्यारा सा घर पे ही हमने बुला दिया था। यहाँ आदमी तो हर जगह पॉलिटिक्स की बातें करने बैठ जाते हैं। सरीना की सारी फुप्पो आ गई, इस कमरे में कुछ सरप्राइज़ की तैयारी चल रही है। और बर्थडे के लिए हमारे घर के तीनों बच्चे अर्शु और रेहान तो थे नहीं, तो मिर्जान और मूसा को हमने बुला लिया जो कि मामू का बेटा है। और यहाँ हमने सोचा सब बच्चे मिलके केक कट कर लेंगे। कल का केक दादी ने कट किया था, तो आज उन्होंने कहा भाई अब नाना केक कट करवाएंगे। ऐसे ही केक कटिंग सेरेमनी ख़त्म हुई। अल्लाह ने सोचा कि सरीना को मैंने पैदा किया है तो लाओ इस माँ को माला माल कर दें और मुझे लिफाफे मिलने लगे। मुझे लगता है ये प्रिविलेज मैं ज़्यादा टाइम इन्जॉय नहीं कर पाऊँगी। एक बार सरीना को पूरी अकल आ जाएगी तो मुझे नहीं लगता वो अपने पैसे मुझे देगी। जैसे हमारी अम्मी हमारे पैसे लेके कहती थी मैंने बिजली का बिल भर दिया और मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिले। और उन सब गिफ्ट्स में टॉप करता हुआ प्रेजेंटेशन था सैमी चाचू का, जिस बेचारे को कपड़े बदलने का भी टाइम नहीं लगा क्योंकि वो सुबह से इसी की तैयारी में लगा था। पहले तो वो सारा बर्थडे की उसने प्रिपरेशन करवाई, सामान वगैरह लेके आया। और ये था सैमी चाचू का सरप्राइज, उसने सबके दिए हुए गिफ्ट्स पुप्पो के चाची के इसमें ऑर्गेनाइज करा दिए। देखो हम तो कहेंगे चाची के गिफ्ट क्योंकि चाचियां मामियां यही लोग करती हैं, चाचू वगैरह तो बस पैसे देते हैं। और ये माशाल्लाह हमारा मूसा, इसको माशाल्लाह माशाल्लाह बोलना है, कोई नजर नहीं लगाएगा मेरे गप्पू को। और ये ट्रेन आ गई, कोई अच्छा लड़का हो तो बताइए। ये हैम्पर रेडी करा है रेजिन पैराडाइज बाय आसिमा ने, इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप भी इनसे कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसी प्रेजेंटेशंस और पैकिंग करवा सकते हैं और अपने स्पेशल लव्ड वंस को और स्पेशल फील करा सकते हैं। स्नैक्स वगैरह करके सारे आदमी तो चले गए थे अपना नीचे, आधे लोग घर चले गए थे, आधी अपनी बातें कर रहे थे और सारी लेडीज़ घर की जमा हो गई थी और सारे गिफ्ट्स खुल रहे थे। अब आने वाला था सबसे ज़्यादा मज़ा, तो हमने गिफ्ट्स की अनपैकिंग करी और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि क्या क्या है, किसने क्या क्या दिया। रानी खाला ने, सरीना की चाची ने, सरीना की पुप्पो ने उनको इतने सारे कपड़े दिए कि उनका इस पूरे साल का काम हो गया। मगर ये जो मैं गिफ्ट खोलने वाली हूँ ये सबसे अतरंगी गिफ्ट होने वाला है, जो सरीना के मामू दादा ने उन्हें दिया, यानी कि अम्मा के छोटे भाई पम्मी मामू ने और उनकी वाइफ नाजिश मामी ने।
अपने डॉक्टर का तो क्लीनिंग देख के भी सरीना का दम खुशक होता है, मगर ये इतना क्यूट डॉक्टर था और इतना रियल बनाया था कि इसको चश्मा भी था और इसके स्टेथोस्कोप में वाकई सांस और धड़कन सुनाई दे रही थी, तो हम बहुत एक्साइटेड हो गए। बहुत ही क्यूट और बहुत ही यूनिक गिफ्ट था। फजर का वक्त हो गया है, 4:15 बज रहे हैं और हमारे घर वालों में इतना एक्साइटमेंट है, गिफ्ट्स खोले, गिफ्ट्स देखे, इधर की उधर की बातें करी, अब सब बैठ के किससे बस शेयर कर रहे हैं, हमें तो आ रही है नींद। ये चल रही है किससे कहानियाँ। हमारी बच्ची लाल कंबल पहन के सो गई, अब हम भी जा रहे हैं सोने।